चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता। मैं तो ये पाल को छोड़ देता, मैं इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना। और मैं अगर पाल की जगह होती तो मैं भी यही करती। थैंक यू। पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है, उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल कृतिका से है और अरमान से है। अरमान, इतनी देर से हम सुन रहे हैं और हमने देखा आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ, बहुत गलत है। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जितना हमने देखा, तो उसके लिए आप गलत हैं। आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी सात घर छोड़ करके वार करती है, तो आपने तो मतलब अपने आपने अपने मतलब अपनी फैम जो फ्रेंड है, आपने पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे मतलब आप कैसे करीब आई, सात दिन में कैसे हुआ, आपने कैसे उनसे नंबर मांगा। तो कहते ना वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। हम हमेशा इतने सालों से इस चीज़ को मतलब हटाना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यही सिचुएशन अगर पायल आपके साथ करती, आप अगर पहली बीवी होती और पायल इस तरह से करीब आके एक हफ्ते के अंदर और इस तरह की चीज़ें करके जितना कि आप इंटरेस्ट ले लेके बता रही थी, तो फिर तो क्या आप मतलब आप बर्दाश्त करती? तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी कि हम एक रियलिटी शो में जो चीज़ें बाहर है वो मैं बाहर भी अपने ब्लॉग से बता चुकी, तो मैं इधर आके ना लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। जो चीज़ें हैं मैंने वो बातें करी और ठीक है, मुझे प्यार हुआ, मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ और हर किसी को प्यार होता है। और अरमान जी ने मेरा साथ दिया और पायल का जो इस चीज़ के अंदर पूरा का पूरा हाँ था, मतलब पायल ने हाँ करी तभी ये शादी हुई, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो भाई ये जो चीज़ें ये हमारी पर्सनल है, हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग है। और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब, तो भाई ठीक है ये मानती हूँ ये चीज़ें होती है, बल्कि मैं यही बात बोलूँगी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग जो कि हमारी है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मैंने सुसाइड करी, मैंने अपनी चीज़ें ख़राब की, मैंने मरने की कोशिश करी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुकी थी, मैंने रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करी। मैंने ये टाइम भी देखा कि मैं इनकी लाइफ से अलग हो जाऊँ, पायल हमारी लाइफ से अलग हो जाए। हम तीनों अलग हो चुके थे। अलग होने के बाद मुझे फिर एंड में चीज़ें समझ आई कि हाँ मैं नहीं रह सकती ना इनके बिना। आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके साथ पायल ऐसा करती तो आप बर्दाश्त करती? बस मेरा सवाल इतना है, बाकी आपकी पूरी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। तो देखो चीज़ें जब होती तब की तब मैं देखती, बाकी जो पायल ने किया वो बहुत मुझे पता है पायल ने सही किया है, और मैं अगर पायल की जगह होती तो मैं भी यही करती। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन अरमान और कृतिका आपके लिए है। आपका जो ये यूनिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, चाहे वो आपके क्रिएटर जर्नी में हो या बिग बॉस में हो, पर कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग सिर्फ सेंशलाइज करने के लिए करते हो, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है। तो आपको लगता है ये सिर्फ आईबॉल्स के लिए आपका ये रिलेशनशिप, रियल में आप तीनों इतने स्ट्रांग नहीं है जितना आप पोर्ट्रे करते हैं? तो मुझे लगता है इससे अच्छा तो ना मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। बिग बॉस रियलिटी शो है, यहाँ पर आप कुछ भी नकली नहीं कर सकते। इतने कैमरा है यहाँ पे, मेरा गुस्सा निकलता है, मेरी गालियाँ निकलती है, मेरा धक्का निकलता है, हर चीज़ निकलती है, तो आप ये चीज़ नकली कैसे कर सकते हो? तो मुझे लग रहा है जो आपका सवाल है ना, आप इस पर थोड़ा सा सोचें, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, यहाँ पे कुछ भी नकली नहीं है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ प्रूफ दे ही नहीं सकता, बस ये बोलना चाहूँगा। मैं कह रही हूँ आपका रिश्ता सिर्फ ये आईबॉल्स के लिए, ये ऐसा कुछ वाला नहीं, नहीं ये बिल्कुल रियलिटी का रिश्ता है, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है और कोई भी आईबॉल नहीं। और आपको लगता है ये एक पॉलीगमस रिलेशनशिप, एक इलीगल रिलेशनशिप, एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं ये सही है? मैं कहना चाहूँगा देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है, उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफ़ी अच्छे से किया है, सात दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफ़ी गुस्सा आया, अरमान आपको आपने तो थप्पड़ मार दिया जी। लेकिन जब खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको सात दिन में प्यार हो रहा है, तो किस तरीके का आप इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हो ऐसे बड़े रियलिटी शो पर आकर? और आपके पास खुद का मुद्दा नहीं होता है कृतिका, कि हर बार आप वेट करते हो कि अरमान आपके लिए मुद्दा ढूंढ के लाए? तो देखो ये जो हमारी रियल स्टोरी है ना, इस सात दिन में प्यार, वो ऑलरेडी सबको पता है। मैं इस रियलिटी शो में आई थी तो यहाँ पे जितने भी लोग हमें नहीं जानते थे मैंने सबको बताया, और हम तीनों इस शो में आए थे कि हम तीनों अपना प्यार लोगों को दिखा सकें, क्योंकि बाहर ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप तीनों जो साथ में रह रहे हो क्या वो सच है, क्या वो सच में आप तीनों साथ में रहते हो। तो हम लोग इसलिए इस शो पर आए थे ताकि लोगों को ना ये चीज़ क्लियर होए
कि हम तीनों साथ में रहते हैं। बाकी जो मुद्दे वाली बात है आप थोड़ा सा और क्लियर करके प्लीज मैं बता देता हूँ। मुद्दा क्या होता है ना कि आप सोचो विशाल था उसमें कृतिका ऐड थी, उसके बाद दूसरा मुद्दा हम ले लेते हैं जब शिवानी ने डिसीजन लिया था कृतिका को पीछे कर दिया और सना मकबूल को आगे कर दिया, वो मुद्दा भी ऐड ऑन था। पर उस चीज के लिए जब ये रेस वाली बात हुई थी शिवानी संचालक थी, शिवानी ने बोला कि कृतिका तुम हार गई हो और सना चली गई, तो उस मुद्दे में पहले मैं बोली थी, जब मैंने बोला उसके बाद मेरी उससे बातचीत हुई तो वहां से विशाल बोलने लग गया, जब विशाल बोलने लग गया तो अरमान जी आ गए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है जब आप एक हस्बैंड वाइफ होते हो और आप एक शो में आते हो तो अगर वाइफ की बात होती है हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड की वाइफ होती है तो वाइफ बोलती है, कि एक ना नॉर्मल चीज़ है। जब हम यहाँ पे रहते हैं ना तो आगे से कोई अगर बोल रहा होता है तो ये एक ऑटोमेटिकली अंदर से ये चीज़ आती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए तो वो स्टैंड लेते हैं। और मुझे चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए हमेशा नजर आए हो। चीटिंग में आप बताओ क्या किया आपने चीटिंग में? आपको एक कॉमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ, चीटिंग इज अ चॉइस। चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता मैं, तो ये पाल को छोड़ देता मैं, इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना। तो हर चीज़ ना अलग अलग होती है, मेरे रिश्ते अलग हैं और किसी के अलग हैं, मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला रहा हूँ, कुछ लोग नहीं चला रहे, तो वो अपनी अपनी लाइफ होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है अगर ऐसा होता तो मैं पायल को छोड़ देता, इसको रखता, पर मैंने दोनों को रखा और दोनों को इज्जत दी और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ।